आपने ऐसा कभी कोई घर देखा है जिसकी ऊंचाई सड़क से नीचे हो? क्या आपने कभी कोई ऐसी कॉलोनी या ऐसे मकान देखे हैं जहां पर गली ऊपर हो और घर नीचे? क्या आप कभी ऐसे घर में गए हैं जहां पर आप घर में घुसते और पहुंचते बेसमेंट में हैं? कि तमाम कौतूहल भरे सवाल देश की राजधानी दिल्ली की सच्चाई है, इसकी जीती जागती तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस कॉलोनी को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, इस कॉलोनी को देखकर कोई भी परेशान हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली के नत्थूपुरा इलाके की तोमर कॉलोनी कुछ इस तरह बनी है कि देखने वाले चौंक जाएं। यहाँ गलियाँ घरों से ऊपर बनी दिखाई देती हैं। घर ऐसा लगता है कि बेसमेंट में बने। दूसरी मंजिल के मकान तक आप अपना हाथ उठाकर पहुंच सकते हैं, क्योंकि गलियों की ऊंचाई ही इतनी ज्यादा है। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कॉलोनी बनी कैसे, कैसे इस कॉलोनी का नक्शा पास हुआ। दरअसल तोमर कॉलोनी को बसे तो सालों हो चुके हैं, लेकिन ये गलियां इन मकानों तक कुछ ही साल पहले पहुंची हैं। यही वजह है कि गलियां मकान से ऊपर हो गईं और मकान उसी जगह रहे जहां से उनकी नींव पड़ी थी। कॉलोनी के मकानों का यही हाल लोगों के लिए दुश्वारियों की वजह बन गया है। कभी बारिश इन घरों के लिए मुसीबत बन जाती है, कभी नालों का पानी घर में घुस जाता है। इतना ही नहीं, बुजुर्गों की आवाजाही भी इन घरों में किसी चुनौती से कम नहीं है। ये ऐसे ही है, कैसे पीछे से पानी भी आता है। अच्छा, यहाँ से नानी का भी। तो बारिश के टाइम पे ज्यादा मुश्किल होता है। बाहर बाहर कैसे निकलते हैं? यहाँ से ऐसे निकलते हैं, इसको पैर। बारिश का पानी आ जाता है और नाले का पानी का सप्लाई जो है ये पानी होता है यहाँ पे। नाले का पानी जो होता है घरों में ही जाता है इसका। हाँ। क्योंकि यहाँ जो नाले की जो सप्लाई है वो पानी होती है, इसके लिए सीवर भी लग रहे हैं, लेकिन सीवर के भी देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम सही नहीं है इसका। दिल्ली के नत्थूपुरा की तोमर कॉलोनी उन अजीबो गरीब कॉलोनी में से एक है जहाँ बारिश के मौसम में इन लोगों की मुसीबतें दोगुनी हो जाती है। इतना ही नहीं, इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस इलाके में अब जो नए घर बनाए जा रहे हैं वो 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर फिर से रोड बनाने का काम हुआ और ऊंची रोड डाली जाती है तो कम से कम उनके नए घर सलामत रह सके। क्योंकि पुराने घरों का लोगों ने जो हाल देखा है उस हाल से हर कोई तौबा कर रहा है। जब बन रही थी सड़क तो आप लोगों ने बोला नहीं उनसे कि हमारे बोला बोला नहीं सुना। उस वक्त तोड़ने में लगे रहे एकदम, तब तक मैं यही थी, कुछ नहीं सुना। अब हमारा घर नुकसान हो गया कि पैसे देगा क्या सरकार? वोट मांगने तो आ जाते, देखते नहीं किस तकलीफ में है। कल को पानी भर जाएगा या सड़क ऊंची होगी तो फिर हमें दिक्कत आ जाएगी। गरीब आदमी पैसा लगाएंगे एक बार, फिर बार बार तो लगाएंगे नहीं, तो इस वजह से हमने कहा थोड़ा ऊंचा करके ही बनाएंगे। दिल्ली देश की राजधानी है जहाँ पर सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे में नत्थूपुरा जैसे इलाके राजधानी को मुंह चढ़ाते हुए से लगते हैं, जहाँ पर ना कोई प्लानिंग है ना ही घरों को बसाने की कोई योजना, जिस वजह से ये तमाम लोग जो वहाँ रहते हैं मुसीबतों का सामना।